नमस्कार स्टूडेंट, टुडे वी विल डू द चैप्टर नंबर 8 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अवर वर्कशीट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट डे 1 एक्सरसाइज 1 आंसर इन वन वर्ड. हु बिल्ट द हिस्टोरिकल ग्रैंड ट्रंक रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड मीन्स जीटी रोड. ओके, सो हु बिल्ट? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था. एंड वेन इट द शेरशाह सूरी रूल्ड इंडिया बिटवीन 1540 to 1545 एंड ही बिल्ट अ रोड फ्रॉम कोलकाता टू काबुल विच इज इन पाकिस्तान इन प्रेजेंट डे. ओके, सो एंड वी ऑल्सो गिव द नेशनल हाईवे नंबर 1 टू ग्रैंड जी टी रोड. ओके, नाउ द सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज द अनमिटेलेड रोड आर नॉन एज कच्चा रोड. वी हैव टू टाइप्स ऑफ रोड, कच्चा रोड विच इज नॉन एज द अनमिटेलेड एंड पक्का रोड्स विच इज कॉल्ड द मिटेलेड रोड. ओके, एंड कच्चा रोड्स कनेक्टेड द विलेजेस. देर आर नाउ बींग कन्वर्टेड इन टू पक्का और मिटेलेड रोड. ओके, जो हमारे कच्चा रोड थे वो क्या करते हैं बच्चों, हमारे विलेजेस को कनेक्ट करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करते हैं. बट इन प्रेजेंट टाइम कच्चा रोड्स ऑल्सो बींग कन्वर्टेड इन टू पक्का और मिटेलेड रोड. ओके, नाउ द मिटेलेड रोड मीन्स मिटेलेड रोड्स आर नॉन एज द पक्का रोड. जो हमारे पक्का रोड्स है दीज आर नॉन एज द मिटेलेड रोड. ओके, विच कनेक्ट अवर वन सिटी टू अनदर सिटी एंड इन प्रेजेंट डे पक्का रोड ऑल्सो कनेक्टेड इज बींग कनेक्ट अवर विलेजेस. नाउ द फोर्थ इज वॉट इज एन एंशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो स्टूडेंट, वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन एंशियंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. रोडवेज से भी पहले हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट थे. इन योर हाइयर स्टैंडर्ड वैन यू विल गो इन सिक्स स्टैंडर्ड एंड विल रीड अबाउट द सिविलाइजेशन, देन यू विल बी रीड दैट द मेन सिविलाइजेशन, जो जितनी भी सिविलाइजेशन थी एंशियंट टाइम में, वो सब किसी ना किसी रिवर के किनारे ही वो फ्लरिश्ड हुई थी. एंड दैट इज़ वाई दो सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज द रिवर वैली सिविलाइजेशन. और रिवर के पास ही फ्लरिश्ड क्यों हुई, क्योंकि रिवर के पास उन्हें पीने के लिए और फार्मिंग के लिए एंड अदर डेली वर्क के लिए वाटर मिल जाता था, प्लस वो वाटरवेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. ओके, दैट इज़ वाई वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन एंशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. सो वॉट इज फर्स्ट क्वेश्चन, रोड कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. हाउ मैनी कैटेगरीज? फाइव. वी हैव फाइव कैटेगरीज ऑफ रोड्स, विच आर फर्स्ट इज नेशनल हाईवेज विच इज मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द सेकेंड इज स्टेट हाईवेज विच मेंटेन्ड बाय द स्टेट हाईवे सॉरी स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट रोड्स विच इज मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद एंड देन द बॉर्डर रोड्स एंड द अदर रोड्स. अदर रोड मीन्स अवर सुपर हाईवेज एंड इंटरनेशनल बॉर्डर रोड्स. ओके, नाउ द सेकेंड इज कच्चा रोड्स आर नॉन एज अनमिटेलेड रोड. नाउ द थर्ड इज शेरशाह सूरी बिल्ट रोड फ्रॉम कोलकाता टू काबुल. काबुल इज इन पाकिस्तान. ओके, कोलकाता इज इन पाकिस्तान. नाउ वी हैव फोर्थ डैश द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिलेटेड टू लैंड एयर एंड वाटर. ओके, नाउ द डे टू इज फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट इज द ग्रैंड ट्रंक रोड इज नेशनल हाईवे नंबर 1. ग्रैंड ट्रंक रोड को हमने नेशनल हाईवे नंबर 1 माना है. ओके, एंड द सेकेंड इज द नेशनल हाईवे NH7 इज बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी. ओके, नाउ द थर्ड इज स्टेट हाईवेज कनेक्टेड द स्टेट टू देयर सिटीज. नाउ द एक्सरसाइज नंबर 2 आंसर इन वन वर्ड. हु मेंटेन
द स्टेट हाईवेज, द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन्स द स्टेट हाईवेज. ओके, नाउ हु लुक्स आफ्टर द नेशनल हाईवेज? द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नेशनल हाईवेज. नाउ द थर्ड इज हु लुक्स आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट रोड? द जिला परिषद लुक्स आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट रोड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डे थ्री. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन वन सेंटेंस. वॉट इज बी आर ओ? बी आर ओ मीन्स द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. वॉट इज सुपर हाईवे? अवर फोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर कनेक्टेड विद सुपर हाईवेज. ओके, सो विच आर अवर फोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज? अवर मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. नाउ द थर्ड, विच फोर स्टेट्स आर शेयर बॉर्डर्स विद पाकिस्तान? हियर वी हैव टू राइट स्टूडेंट थ्री स्टेट्स, राजस्थान, पंजाब, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर आर नाउ इन यूनियन टेरिटरी. ओके, सो नाउ फोर्थ इज विच सिटीज आर कनेक्टेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर कनेक्टेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज नंबर टू. अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड. सो स्टेट हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय, सो दीज अनस्क्रैम्बल लेटर्स आर फॉर्मिंग स्टेट गवर्नमेंट. ओके, द रोड पासिस थ्रू द मैनी कंट्रीज इंटरनेशनल हाईवेज. ऐसी रोड जो बहुत सारी कंट्रीज को पास करके जाती है उसे हम इंटरनेशनल हाईवेज कहते हैं. ओके, नाउ शेर शाह सूरी हैड बिल्ड दिस रोड. विच रोड वॉज बिल्ट बाय द शेर शाह सूरी? जी टी रोड, विच इज नॉन एज द नेशनल हाईवे नंबर वन. ओके, एंड द नेशनल हाईवे नंबर सेवन इज अवर लॉन्गेस्ट रूट हाईवे, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग करता है एंड इट इज़ बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी वाया जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड मदुरई. ओके, नाउ द डे फोर, आंसर इन वन वर्ड. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेलवे लाइन्स आर देयर? दे थ्री टाइप्स, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रेलवे लाइन स्टूडेंट. फर्स्ट इज ब्रॉड गोज, सेकेंड इज मीटर गोज एंड द थर्ड इज नैरो गोज. एंड वॉट इज गोज स्टूडेंट? गोज इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव द थिकनेस, साइज और कैपेसिटी ऑफ समथिंग स्पेशली एज अ स्टैंडर्ड मेजर. किसी भी चीज़ को जब हम मेजर करते हैं तो उसकी थिकनेस और साइज को बताने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम गोज कहते हैं. ओके, सो इंडिया इंडियन रेलवे के अंदर जो ब्रॉड गोज है, ब्रॉड गोज मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज मोर देन स्टैंडर्ड गोज. एग्जाम्पल वन, जो हमारी स्टैंडर्ड गोज है यानी कि एक मेजरमेंट है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जितनी होनी चाहिए वो क्या है, 1.435 मीटर. एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन के बीच में 1.435 मीटर की दूरी होनी चाहिए. ये स्टैंडर्ड जो हमारी स्टैंडर्ड गोज है, स्टैंडर्ड मीटर है, उससे ज़्यादा होती है तो हम उसे यानी कि 1.435 मीटर से अगर ज़्यादा है किसी भी टू रेल्स, किसी भी ट्रैक के ऊपर, रूट के ऊपर, रेल्स की जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में 1.435 से ज़्यादा है तो वो ब्रॉड गोज में आएगी. ओके, और जो हमारे मीटर गोज है, मीटर गोज का मतलब है एक रूट पर दो ट्रेन के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है तो वो है हमारा मीटर गोज. और मीटर गोज की रूट हमारी अहमदाबाद से उदयपुर है स्टूडेंट. ओके, बहुत कम रूट है हमारे जो मीटर गोज में आते हैं, तो अहमदाबाद और फॉर एग्जांपल अहमदाबाद टू उदयपुर का जो रूट है वो मीटर गोज के अंदर आता है. उस रूट पर दो ट्रेन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 1 मीटर होता है यानी कि वो मीटर गोज के अंदर आता है. एंड द नैरो गोज, नैरो गोज क्या होता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी दो ट्रेन के बीच की, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस है कौन सी, 1.435. अगर इससे कम है तो वो नैरो गोज और अगर इससे ज़्यादा है तो वो ब्रॉड गोज. ओके, अंडरस्टूड अबाउट द ब्रॉड गोज, मेट्रो मीटर गोज एंड द नैरो गोज. ओके,
Now the second question is, who looks after Indian Railways? The Railway Ministry. Okay, who looks after the Indian Railways? Railway Ministry look after the Indian Railways. Now question number 3, where do we see metro train mostly? In the big cities, we see the metro train in a big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata. Okay, and fourth is, which are two super fast trains in India? Which are two super fast trains in India, students? Shatabdi and Rajdhani. Both are super fast train in India and having speed 100 km per hour. Okay, now the next is, fill in the blanks. So fill in the blanks mein kya, student? First is the dash train run from Mumbai to Thane. First train run Mumbai to Thane. Okay, in 1885 mein. ओके 1885 में इंडिया के अंदर पहली ट्रेन चली थी और वो मुंबई से थाने तक चली थी. ओके, नाउ द फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया इज शताब्दी ट्रेन. ओके, नाउ हियर इज इन थर्ड ऑप्शन, स्टूडेंट यू हैव टू राइट सुपर फास्ट, कट द प्रिंट्स एंड राइट सुपर फास्ट ट्रेन्स. ओके, सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. ओके, now fourth is, we see metro trains in Delhi and Mumbai. Okay, our these are our metropolitan cities. Okay, and fifth is, nowadays we see electric and diesel engine mostly. अब बच्चों देखो, जो earlier time में जब पहली बार train बनी थी तो उस train में जो engine था वो steam engine use होता था. Now steam engines have now been replaced by electric and diesel trains. Okay, and also in reservation has also been computerized. अगर जब हमें reservation करवाना है तो हम एक जगह से दूसरी जगह की reservation के लिए computer system use करते हैं और कहीं से भी करवा सकते हैं. और आज तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम railway station जाकर ही reservation करवाएं, we can also do it online. ऑनलाइन रिजर्वेशन हम अपने घर से ही, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से और लैपटॉप से इजीली कर सकते हैं. ओके, इन सो आवर चैप्टर नंबर 8 इज कंप्लीटेड, स्टूडेंट. ओके, नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 8 इन योर वर्कशीट एंड ऑल्सो रिवाइज द मैप. जो मैप हमने किया था, जो हमारे मेडिटेरेनियन सी और रेड सी और स्विस कैनाल, पनामा कैनाल, ये सारे, इन सब की लोकेशन कहाँ पे है, इसके बारे में आपको वापस से आप रिवीजन में एक मैप कंप्लीट करोगे. ओके बच्चों, सो नाउ टेक केयर, बाय.